हेलो भाई, मैं हूँ सक्षम। तो आज भाई हम जो गाड़ी लाए हैं आप लोगों के लिए वो है भाई रेंज रोवर इवोक। अब भाई ये गाड़ी कौन लाया है, पहले तो चलते हैं फटाफट से रोहन भाई की तरफ। रोहन भाई कैसे हो आप? सब यार बढ़िया भाई, सब बढ़िया। तो रोहन भाई हमारे लिए भाई ये गाड़ी लाए हैं रेंज रोवर इवोक। भाई ये है HSE में है, कन्वर्टेबल है। रोहन भाई पहले तो ये बताओ यार, क्या सोचा कि हमें यही लेनी है, पर्टिकुलरली रेंज रोवर लेनी है, उसमें भी कन्वर्टेबल लेनी है? एक्चुअली जो कार ये ली थी, ठीक है, बेसिकली मेरे डैड ने परचेज की थी। ठीक है। उनका उनका सपना था लाइफ में कि वो एक कन्वर्टेबल ले अपनी लाइफ में। एंड जैसे आपको पता होगा, इस कार को आप देखोगे तो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, बट डैड को काफ़ी शौक है SUVs का, वो सिर्फ SUV चलाता है। तो ही गिव इट अ थॉट, उनको एक आई गेस किसी क्लाइंट से कॉल आया था कि ये कार आई गेस दिल्ली में रिलीज होने वाली है, सो ही जस्ट वेंट फॉर इट। उनको इतना ज़्यादा शौक है कन्वर्टेबल्स का, एंड उनका एक सपना था कि वो ले। तो उन्होंने ट्राई किया एंड ही जस्ट बॉट द कार। ठीक है। दिल्ली में ये सिर्फ 4 ही आई थी आई गेस। ठीक है। दिस इज वन ऑफ देम। भाई अगर बात करते हैं हम इसके इंजन की, तो इसमें भाई 2 लीटर का इंजन आता है, लगभग 2000 CC का, 137 BHP और 250 Nm का टॉर्क देता है। तो आपको नहीं लगता भाई इतने बड़े साइज के लिए या इस वेट की गाड़ी के लिए वो थोड़ा सा कम है? मुझे लगता है कम है, बट ऑनेस्टली सिटी ड्राइव के लिए इट्स हो सकता है, इट्स एडजस्टेबल, तुम चला सकते हो सिटी में भी एंड एज वेल एज अगर आपको इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी लेके जानी है। आई फील ऐसी कहीं पावर की इशू आई नहीं, बट हाँ लगता है कि थोड़ी सी कम है और होनी चाहिए। और भाई ने जैसे बोला यार अपने को ऑफ रोडिंग के लिए, तो भाई 210 mm का इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि मेरे को लगता है भाई मोर देन सफिशिएंट है इस साइज की कार के लिए। तो कोई ऐसा भाई आपका एक्सपीरियंस शेयर करो यार, कभी आपको लगाओ कि इस गाड़ी की वजह से हाँ इस बार मेरे को अटेंशन मिली है, जैसे रोड पे आप कहीं निकले हो या ट्रिप पे कहीं गए हो तो अटेंशन मिल ही जाती है, क्योंकि सिर्फ एक ही SUV है जो कन्वर्टेबल है एंड इट्स द रेंज रोवर ओनली। ठीक है। एंड ये दिल्ली में इतनी ज्यादा दिखती भी नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, वेरी फैसिनेटिंग, जब कभी दिख जाती है इट्स अ वेरी नाइस कार। हाँ कुछ लोग ऐसे जिनका जजमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, एंड विच आई एग्री, कुछ लोगों को ये कार पसंद नहीं आई थी क्योंकि किसी को ये प्रैक्टिकल लगी नहीं थी। ठीक है भाई, हमें यार अपना देखना है, हमें औरों से क्या है, वो वाली बात है छोटी सी। बट स्टिल अगर आप मुझसे पूछो, मुझे कार काफी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो रोहन भाई फिर एक बार ही अंदर चलते हैं, आप इसको एक बार बंद करके दिखाओ। अंदर जाने से पहले यार मैं आपसे यार बोलता हूँ, थोड़ी सी ना इसको आगे कर लो, क्योंकि पीछे देखो थोड़ी सी इशू हमें आ सकता है। एक बार आप स्टार्ट करके इसको यार आगे कर लो थोड़ा सा। हो गई है भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट, DRL इसके ऑन हो गए हैं। करते हैं भाई थोड़ा सा इसको आगे। तो भाई बस भाई बस 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 ठीक है, चलते हैं भाई फटाफट से अंदर। रोहन भाई से एक बार पूछते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है। कम्प्लीटली भाई फ्रेमलेस अपने को डोर्स इसमें देखने को मिलते हैं। रोहन भाई इसको एक बार यार बंद कर दो, तब मज़ा आएगा। भाई जैसा अभी आपने देखा, जैसे ही रोहन भाई ने इसको बंद करा, आसपास यार देखो पब्लिक रिएक्शन कितना ज़बरदस्त रहता है। तो भाई ये देख के तो लगता होगा कि हाँ मैंने जो पैसे खर्चे हैं वो वर्थ इट है। या ऐसा लगता है जो भी किया, देखो मेरे डैड ने किया, ठीक है, बिल्कुल भाई, एंड सारा क्रेडिट उनको ही जाता है उनके हार्ड वर्क के लिए। एंड या इट्स इट्स नाइस कि उन्होंने जो भी काम किया है वो अचीव कर पा रहे आज तक ये सब, तो आई एम हैप्पी। एंड या संडे हुआ एंड मैं ले आया बस तो छीन के आज। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये भाई अंदर से इसका इंटीरियर बात कर लेते हैं। अगर भाई इंटीरियर की, तो बीच में इंफोटेनमेंट हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। आ जाते हैं अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नीचे अगर गियर नॉब की बात करते हैं, तो नॉब क्या भाई, ये रोटरी स्विच सॉर्ट ऑफ हमें मिलता है। बात करते हैं पार्किंग ब्रेक की, तो इलेक्ट्रॉनिक ही मिलती है। तो मतलब जो भी हमें फीचर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, वो सब मिलते हैं। प्राइस पॉइंट की बात आई है, तो रोहन भाई एक बार ही बता दो यार कितने की ये कार आपको? ये आई गेस हमें 80 lakh के अराउंड मिली थी। ठीक है, 2016 में, राइट, 2016 में। एंड जब रिलीज हुई थी हमने उसी के सेकंड डे पे बॉट की थी। ठीक है भाई, वापस से भाई अगर बीच की तरफ आते हैं, तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर लगता है। अगर भाई हम इसे बंद कर दें तो तब इसकी असली प्रीमियम फील है, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो भाई थोड़ा सा खोल लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ हमें फीचर्स मिल जाते हैं, ट्विन कप होल्डर्स मिलता है, सिगरेट लाइटर मिल जाता है, और भाई बंद करके वापस वही प्रीमियमनेस आ जाती है। बात करते हैं अगर आर्मरेस्ट की, तो भाई आर्मरेस्ट इसका इतना कुछ है, अंदर काफ़ी अच्छी भाई स्टोरेज हमें देखने को मिल जाती है। इतनी स्टोरेज है कि आप अंदर देख भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा वो फुल है भाई, स्पेस बहुत। मैंने इसीलिए खोला ही नहीं भाई, कि इतना उसमें सामान पड़ा है, मैं क्या ही उसको खोलूं। एंड पीछे 2 USB अगर आपको अपना फोन चार्ज करना हो पीछे की तरफ, नहीं इसमें ही, इसी में, अच्छा इसी बॉक्स के अंदर। एक बार भाई मैं पीछे जाके देखता हूँ। रोहन भाई आपकी हाइट क्या है लगभग, एक रेफरेंस के लिए, जस्ट 5'7" समथिंग, 5'8" मान लीजिए। रोहन भाई आप अपनी एक बार सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, मैं पीछे जाता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ कितनी प्रैक्टिकल है यार पीछे बैठने में। चलते हैं अगर भाई पीछे की तरफ, तो हम खुद देखेंगे भाई 3-door ये कार आती है, 5-door में ये ऑप्शन नहीं आता है। पीछे जाने के लिए भाई ये वाला लीवर हमें प्रेस करना पड़ता है, और उसके बाद ये वाला बटन भाई अगर हम प्रेस करके रखेंगे, तो सीट आप देख सकते हो आगे की तरफ हो जाएगी। मैं एक बार भाई पीछे जाके बैठता हूँ, रोहन भाई ने आगे की सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है। 5'7" की भाई की हमारी हाइट है, देखते हैं भाई कितनी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है।
तो भाई अगर एक 5-7 का बंदा इसको चला रहा है, इतना कुछ भाई स्पेस हमें देखने को मिलता है, जो कि मेरे को लगता है भाई मोर देन सफिशिएंट है। हेडरूम की बात करूं तो अच्छा खासा है भाई। अंदर से अगर भाई देखते हैं इतनी प्यारी भाई ये गाड़ी लगती है। लेकिन भाई जो मेरे को एक इशू लग रहा है कि भाई इसकी खड़ी खड़ी सीटें, तो ज़्यादा देर तक हम इसमें बैठ नहीं पाएंगे। मेरिडियन के इसमें भी हमें स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं आगे, और भाई अपना आगे की तरफ इधर देखते हैं तो भाई इवोक की ब्रांडिंग मिलती है, बीच में भाई अपने को एसी वेंट्स मिलते हैं, पीछे देखते हैं तो स्टोरेज मिल जाती है। चलते हैं भाई बाहर, भाई से बाकी बातें बाहर जाके करते हैं। बाहर जाने के लिए भाई सीट आगे करनी पड़ती है और भाई थोड़ा सा एफर्ट भी लगता है। रोहन भाई ये जो अंदर बाहर जाने का जो एफर्ट है पीछे का, इसके लिए घर वाले बोलते नहीं है कभी कभी? एक्चुअली पीछे कोई बैठता नहीं ज्यादातर। अच्छा, अगर आपने स्पेस देखी होगी, जैसे आप पतले हो मैं पतला हूँ, हम सब बैठ सकते हैं, बट जैसे अगर हम अंकल्स की बात करें ना, जो बड़े लोग होते हैं, आई गेस उनके लिए काफी मुश्किल होगा, उतनी स्पेस है नहीं पीछे। मुझे भाई थोड़ी सी इसकी सीटें 90 डिग्री पे इंक्लाइंड भी लगी, जैसे खड़ी खड़ी सी सीटें हैं, वो भी एक इशू है शायद। रूफ की वजह से हुआ है, रूफ पूरा पीछे आता है, उसके वजह से बूट स्पेस भी कम है। ठीक है, एंड बूट स्पेस को कम करने के लिए ये इन लाइक जो सिटिंग एरिया, इसको भी कम करने के लिए वो करना पड़ा। तो बूट की बात करिए भाई, तो फटाफट से एक बार बूट खोल के दिखा दो कि कितना इसमें हमें स्पेस मिल जाता है। इतना कुछ भाई हमें इसमें स्पेस मिलता है भाई, दो लोगों का तो मुझे लगता है लगेज इसमें आ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा का डालना तो ट्राई करके आ ही जाता। हाँ, बड़े दो सूटकेस आ जाएंगे, दो नहीं भाई एक ही आ पाएंगे, और उसके बाद एक दो छोटा बैग रख सकते हो तो रख सकते हो, और कुछ तो इसमें नहीं आएगा। ओके, स्पेयर व्हील भाई इसमें हमें कौन सा मिलता है? अलॉय तो मेरे को लगता नहीं मिलता होगा, काफी पतला टायर है, वही कॉस्ट कटिंग वाली बात है। और अगर टायर्स की अगर बात कर लेते तो भाई इस तरीके की अपने कुछ लुक देखने को मिल जाती है, ऐसे कुछ अलॉयज मिलते हैं, बीच में लैंड रोवर की अपने को बैजिंग मिलती है। बात करते हैं अगर प्रोफाइल की, तो भाई 235/60R18 18 इंच की भाई इसमें हमें रिवील्स देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं अगर ब्रेक्स, तो भाई अपने को डिस्क ब्रेक ही मिलती है आगे भी और भाई पीछे भी। रोहन भाई आप अभी कुछ बता रहे थे कि रेंज रोवर से भी आपको एक बार ऑफर आया था। या उसमें ये ऑफर था कि टायर्स के जो इंचेस है वो विद है वो बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे आपने देखा है ये 18 इंच के है। बिल्कुल भाई, हम 20 इंच में भी जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये ऑफर आपको खरीदते ही आ गया था या बाद में कभी आया? मेरे को बाद में आया था। कितने टाइम बाद? तकरीबन मान लीजिए 3 साल बाद। और उसकी कॉस्टिंग क्या थी भाई? उसकी कॉस्टिंग तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि आप 20 इंचेस के टायर्स इसमें लगवा सकते हैं, प्योरली सेफ है। और बिल्कुल अगर कंपनी भाई रेकमेंड कर रही है तो कंफर्टेबल राइड रहेगी, राइड में भी भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, जितने टायर्स का ब्रेथ और इंचेस बढ़ेगा उतना ही अनकंफर्टेबल। लेकिन यार मेरे ख्याल से अगर रेंज रोवर खुद कर रही है तो शायद वो इंजीनियरिंग अपनी लगा रहे होंगे प्रॉपर। रेंज रोवर का सस्पेंशन है, मुझे कहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, नॉट द टायर्स, सस्पेंशन। ठीक है, तो जब भी कोई बड़ा गड्ढा आता है चाहे कितना भी बड़ा हो, मेरे को नहीं लगता कि ये कार उस चीज को पार नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये कैपेबल है करने के लिए। ठीक है भाई, ऐसी कुछ भाई ये गाड़ी है हमने अभी देखी है भाई, रेंज रोवर इवोक HSE में भाई, जो कि कन्वर्टेबल है। ये गाड़ी थी भाई, ये हमारे रोहन भाई थे जो हमारे से आज मिले हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, यहाँ तक आए हो भाइयों, थैंक यू सो मच उसके लिए। ऐसी आते रहना, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू भाइयों, बाय बाय।